नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बबेरू विधानसभा में हुआ जोरदार स्वागत। बबेरू विधानसभा में प्रजापति समाज से संवाद करने आए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश प्रजापति, मनोज प्रजापति, पूर्व प्रत्याशी हमीरपुर का शिवाकांत प्रजापति और प्रधान राजेश प्रजापति के द्वारा स्वागत किया गया। पूरा मामला बबेरू विधानसभा के बघैला गांव का है, जहां पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव के सानिध्य में शिवाकांत प्रजापति और राजेश प्रजापति के प्रधान के द्वारा प्रजापति समाज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति ने कहा कि इस सरकार ने प्रजापति समाज को अपना हक और सम्मान नहीं दिया। ये सरकार किसान, नौजवान, मजदूर, किसान विरोधी है। इस सरकार में प्रजापति समाज छला महसूस कर रहा है। झूठे वादे करके प्रदेश में हत्याएं, लूट, महंगाई बढ़ाकर जंगल राज कायम कर आपसी भाईचारा खत्म कर दिया और संविधान खत्म करने की साजिश रचकर पिछड़ों, दलितों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रजापति समाज को हक और सम्मान अगर कोई दिया है तो वो है समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ कर समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना। पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव ने कहा है कि एक समय था कई प्रमुख मंत्री थे समाजवादी सरकार में, आज प्रजापति समाज को बेइज्जत करने का काम किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजय करण यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज प्रजापति, रीता प्रजापति, ओम नारायण त्रिपाठी, अजय चौहान, दिनेश यादव, मिश्रीलाल यादव, आशीष श्रीवास्तव, शिवाकांत प्रजापति, राजेश प्रजापति, प्रधान छेदीलाल गुप्ता, दयाराम चूड़ामणि, दुष्यंत लालू, जगराम प्रजापति, हीरालाल प्रजापति, रामपाल प्रजापति आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संचालन संजीत यादव जी ने किया। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।